हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू, और ये किसके पास होती है? जो मॉलिक्यूल पोलर हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द डाइपोल मोमेंट बिकॉज द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल of a molecule can be zero even if it has polar bonds, depending on the shape of molecule. Molecule की shape पे भी depend करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं BCl3 की, तो BCl3 में हमारे पास क्या होता है? जो BCl का स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्शनल होती है नेचर में। क्या मतलब है इसका? कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब ब्रोमीन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ। तो हमें हम अगर ध्यान से देखें तो हमें तीनों बॉन्ड पोलर लग रहे हैं, लेकिन जो इसकी नेट डायपोल मूवमेंट है वो जीरो है। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पे अपवर्ड डायपोल मूवमेंट है उसका इफेक्ट इन दोनों की नेट डायपोल मूवमेंट डाउनवर्ड है, जो कि इसके बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ये कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। सो अगर हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके पास पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। क्यों है वो जीरो? ड्यू टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज। तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है कि पोलर बॉन्ड्स डाइपोल मूवमेंट को सजेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ड्यू टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिखा भी है, बिकॉज द डाइपोल मूवमेंट कैन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट।